हमारा आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नॉन प्राइस कंपटीशन। इकोनॉमिक्स में नॉन प्राइस कंपटीशन एक ऐसा टॉपिक है जो मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, और एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन किस तरीके से वर्क किया जाता है ये मैं आज आपको समझाती हूँ। देखिए बच्चों, दो तरीके के कंपटीशन होते हैं, एक होता है प्राइस कंपटीशन, एक होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। जो प्राइस कंपटीशन होता है उसके अंदर आपको कहा जाता है कि जब आप प्राइस वॉर में एक फर्म किसी दूसरी फर्म के साथ किसी प्राइस वॉर में इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब आप प्राइस गिरा रहे हैं सामने वाला भी प्राइस गिराएगा, आप प्राइस बढ़ा रहे हैं सामने वाला भी प्राइस बढ़ाएगा, इसको कहते हैं प्राइस कंपटीशन। जो प्राइस कंपटीशन होता है इसमें फर्म रिड्यूस करती है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, और उसको अगर वो फ्रूटफुल होता है तो सामने वाला भी उसको प्राइस को गिरा देता है। बट ये प्राइस कटिंग जो है एक पॉइंट पे जाके यूजलेस हो जाती है, क्योंकि दोनों ने ही अगर प्राइस गिरा दिया तो अल्टीमेटली दोनों का नुकसान है। तो कहने का मतलब प्राइस कॉम्पिटिशन जो होता है वो हर जगह वर्क नहीं करता है, इसीलिए लोग नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में आ गए हैं। अब ये नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन क्या होता है? नॉन प्राइस कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें प्राइजेस का कोई लेना देना नहीं है, बट यस, फिर भी जो फर्म्स होती हैं वो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए एक अलग ही तरीके के युद्ध में इंक्लूड हो जाती हैं जिसमें प्राइस तो बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। ये जो कंपटीशन होता है वो बेस्ड होता है प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग के ऊपर, मार्केट की एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर, जो पब्लिसिटी सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर, फ्री गिफ्ट्स एंड कूपन्स के ऊपर, जैसे कुछ भी ऐसा आपने अट्रैक्टिव सा कर दिया जिससे कि सामने वाला जो है वो आपके साथ कंपटीशन में उतर रहा है। जैसे मैंने अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए वाउचर्स निकाल दिए, डिस्काउंट कूपन्स निकाल दिए, एक के साथ एक फ्री का ऑप्शन निकाल दिया, तो सामने वाले का जो प्रोडक्ट है वो एज़ कम्पेयर टू माई प्रोडक्ट वो उसको महंगा लगने लगेगा जो कस्टमर है। तो मैं एक प्राइस ना छेड़ के भी एक अलग ही तरीके के कंपटीशन में इंक्लूड हो गई। तो नॉन प्राइस कंपटीशन एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, जैसे हम कोई गिफ्ट्स दे देते हैं, कोई कैलेंडर दे देते हैं, कोई बॉल पॉइंट पेन दे देते हैं उनको, जिससे कि हमारा जो मार्केट में जो एक अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। इसका जो मेन एम होता है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है, और ये काफ़ी फेवरेबल है कहाँ, जहाँ पर प्राइस कंपटीशन वर्क नहीं करता है वहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत आराम से वर्क करता है और एक कस्टमर को बहुत ही अट्रैक्ट करता है अब उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इसको जब भी आपके ऊपर, इसमें शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन जो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। इन प्राइस कंपटीशन ए प्रोड्यूसर विल रिड्यूस देयर प्राइस एंड उसी से जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं उसी से वो प्रॉफिट कमाता है, बट समटाइम्स ये वर्क नहीं करता है तो वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में उतरता है जिसमें वो सेल्स को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग, फ्री गिफ्ट्स, वाउचर्स वगैरह वो यूज़ करता है। डैट इज़ कम्प्लीटली नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू अस।